और देखिए हाथरस में जहां पर भगदड़ हुई, 121 लोगों की मौत हो गई, वहां हमारे सहयोगी जगविंदर सिंह पटियाल भी पहुंचे। पटियाल की पड़ताल में लापरवाही की पूरी कहानी सामने आ गई। अभी आपको जगविंदर सिंह की एक रिपोर्ट दिखाते। भोले बाबा के सत्संग के बाद सिकंदर राव के फुलरई गांव में भगदड़ कैसे मची, दर्शकों को ये समझाने के लिए मैं एक ऐसी लोकेशन पर आया हूँ जहाँ से पंडाल और भगदड़ वाली जगह एक ही आईने में नजर आ जाएगी। अब गौर कीजिए, मेरे पीछे वो पंडाल सजा हुआ है जो फुलरई के खेतों के बीच में लगाया गया था, और इसमें हजारों की संख्या में, हालांकि कुछ तो लाखों भी कहते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ मौजूद थी। और 12 से लेकर 2 बजे तक सत्संग होना था, बावजूद उसके भीड़ यहाँ सुबह से ही जमा होने लगी थी। 12 साल बाद ये सत्संग हो रहा था। कहा यह जा रहा है कि भोले बाबा 2012 में आए थे और उसके बाद सत्संग करने के लिए 2024 में यहाँ आना हुआ। जब ये सत्संग तकरीबन 2:15 बजे खत्म हुआ तो उसके बाद भोले बाबा का काफिला इस रास्ते से निकला। ये जो आप देख रहे हैं अलग से पैसेज बनाया गया है, ये पैसे सीधा स्टेज की तरफ जाता है जहाँ गाड़ी खड़ी नजर आ रही थी, और गाड़ी से उनका काफिला इस रास्ते से बाहर आया, यानी वो उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता था जिससे पब्लिक पंडाल तक पहुंचती थी। यहाँ से जब उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में काफिला बाहर आ रहा था, तभी लोगों ने क्या किया, जो पंडाल के अंदर लोग मौजूद थे वो इस सफ़ेद गेट को देखिए, इस सफ़ेद गेट के जरिए बाहर आ गए सारे। हालांकि जो ये इलाका खुला आप देख रहे हैं बीच में जहां पानी भरा हुआ है बारिश के कारण, इस पूरे इलाके में लोग मौजूद थे, लेकिन जो पंडाल के अंदर भीड़ थी वो भी बाहर की तरफ भागी। अब आप सोच रहे होंगे बाहर की तरफ क्यों भागी, बाहर की तरफ इसलिए भागी कि बाबा के काफिले को निकलकर जाना था एटा की तरफ, यानी जिस तरफ ये गाड़ियां जा रही हैं। लोगों को लगा कि वो जैसे ही हाईवे के ऊपर आएंगे उनके चरणों की धूल लेंगे, या उनके, कुछ लोग बताते हैं कि जो गाड़ी के टायर हैं उसके नीचे की धूल महिलाएं ले जाती हैं, उसको वो ऐसा शुभ मानती हैं, और ज़्यादातर क्योंकि बाबा की फॉलोअर्स भी महिलाएं हैं लिहाजा इसलिए भीड़ हाईवे की तरफ भागी। अब हाईवे पे पहले से ही भीड़ मौजूद थी, गाड़ियां भी रुकी हुई थी, ट्रैफिक को रोका गया था। जब बाबा आया और जब गया उस दौरान ट्रैफिक बंद रहा, बीच में एक लाइन खोल भी दी गई थी, लेकिन जहां भी ये भीड़ आप देख रहे हैं ये उस हादसे के बाद है। जब वो भीड़ पंडाल की यहाँ हाईवे पर आ गई तो यहाँ मौजूद पहले से ही लोग जो है उनकी संख्या बढ़ गई और जगह कम पड़ गई। अब आप जहाँ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी देख रहे हैं और पीछे जिस तरफ खेतों के बीच में कुछ लोग आपको तलाशी लेते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पड़ताल करते हुए दिख रहे हैं, डॉग स्क्वाड की टीम एक मौजूद है वहाँ पर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हरियाली के बीच में कोई चीज़ें ढूंढ रहे हैं खेतों के बीचों बीच। ये वो इलाका है जहाँ उस तरफ भी लोग खड़े थे, लेकिन जब पंडाल के अंदर से निकली हुई भीड़ गाड़ी को देखने के लिए और वो जो चरणों की धूल कहते हैं उसे लेने के लिए वहां पहुंची, तो जो निचले इलाके में लोग खड़े थे जहां ये अभी जांच चल रही है, इन निचले इलाके में जो लोग खड़े थे वो दबने शुरू हो गए। यानी इधर से प्रेशर पड़ा, हाईवे थोड़ी ऊंचाई पर था, और परली तरफ जहां पीली पट्टी लगी हुई है वहां इस खेत में जितनी भी भीड़ मौजूद थी वो भीड़ दबती चली गई, और भगदड़ का सारा खामियाजा हाईवे के दूसरी तरफ मौजूद लोगों ने भुगता, उनकी जान चली गई। वहां भी बहुत सारी महिलाएं मौजूद थी, उनके जूते चप्पल कपड़े सामान खाने पीने की कई चीजें अब भी वहां पर पड़ी हुई हैं। अब इस नजरिए से समझिए कि यहां पंडाल लगा हुआ है, इस तरफ मेरे बाई तरफ पंडाल से जैसे ही सत्संग खत्म हुआ बाबा की गाड़ी निकली, बाबा की गाड़ी निकलने के बाद पंडाल की भीड़ सड़क की तरफ भागी। सड़क की तरफ भागने पर जो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी भीड़ थी उस इलाके में दबाव बढ़ गया, लोग ज़्यादा हो गए, और वो इलाका जहां पहले से भीड़ मौजूद थी हाईवे के दूसरे किनारे पर, वहां पर निचाई भी थी ढलान भी थी, इसीलिए यहां की भीड़ के कारण वहां की भीड़ जो है वो नीचे दब गई जब इधर से प्रेशर पड़ा। ये वजह बनी भगदड़ मचने की, और अब तक 121 लोगों की जान चली गई है। थोड़ी देर पहले मेरी अलीगढ़ रेंज के आईजी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि 121 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अब तक 121 लोगों की इस भगदड़ के दौरान मौत हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, बाबा कहाँ है? बाबा कहा जा रहा है कि मैनपुरी के अपने आश्रम में है, वहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लेकिन ताजू की बात ये सोचिए
कि जो बाबा कल तक ये सत्संग दे रहा था, कल तक ये प्रवचन दे रहा था कि सोचिए साथ क्या लेकर जाना है। दो शब्द नहीं निकले इतने लोगों की मौत के बाद कि सत्संग के बाद जो कुछ हुआ है उसके बारे में वो दो शब्द नहीं बोल पाया। हालांकि अभी पुलिस ने बाबा से कोई पूछताछ नहीं की है, हाई लेवल की जांच ऑर्डर की गई है और इसमें बाबा से सवाल जवाब तो होंगे, लेकिन FIR में कहा यह जा रहा है कि फिलहाल बाबा को किसी भी तरह से नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है। कैमरामैन राजेश के साथ जोगिंदर पटियाल, सिकंदर राव, उत्तर प्रदेश। तो हाथरस हादसे पर जोगिंदर पटियाल की रिपोर्ट आपने देखी और पटियाल की पड़ताल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में देखिएगा कि इस हादसे से जुड़ी हुई तहकीकात उनके जरिए कहां तक पहुंची है, विस्तार से आपको दिखाएंगे।